कोरोना वायरस के दरमियान मजहबी और दीगर तकारीब के लिए 50 अफराद के शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। ये अहकाम आज भी जारी व सारी है, जिसकी वजह से टेंट हाउस शादी खाने डेकोरेशन वाले अफराद ने आज 2 नवंबर को ज़िला कलेक्टर के रूबरू रियासती सतह पर मनाया जा रहा धरना आंदोलन में शिरकत की। इस मौके पर अरकान पार्लियामान प्रताप पाटिल चिकलीकर, हेमंत पाटिल, अरकान असम्बली अमर राजुरकर, मोहन राव हम्बर्डे, बालाजी कल्याणकर, मेयर मोहिनी यवनकर, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, वंचित अघाड़ी के फारूक अहमद व दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत की। कम अज़ कम 500 अफराद या हाल में 50% की इजाज़त देने का मुतालबा रियासती हुकूमत से बार बार किया गया, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा नहीं, जिसके बाद रियासती सतह के टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में औरंगाबाद में मशावरती इजलास तलब किया था, जिसमें 2 नवंबर को रियासती सतह पर धरना आंदोलन करने का तय हुआ, जिसके बाद आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन में टेंट हाउस, मंगल कार्यालय, बैंक्वेट हॉल, कैटरर्स, मंडप डेकोरेशन, साउंड डीजे, लाइट डेकोरेशन, फ्लोर डेकोरेशन, फोटोग्राफर प्रोहित आचार्य, बैंड वाले, घोड़े वाले, फिट्टे वाले व शादी व दीगर तकारीब में अपना रोल अदा करने वाले अफराद ने शिरकत की। इस आंदोलन की रहनुमाई नांदेड़ संगठना के सदर दगड़ू सेठ पुरोहित, नायब सदर अनवरुद्दीन, गोविंद शुक्ला, आशीष निरलकर, विजय सिंह परदेसी, अमर सिंह जी महाजन, मोहम्मद अजहर शामिल थे। आज कुल हिंद शैमा फरोश फलाही तंजीम के रियासती सदर जनाब दड़ू सेठ पुरोहित के अंडर आज पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन हर कलेक्टर ऑफिस के सामने हुआ है और महाराष्ट्र के पूरे अजला मर में ये एक अच्छे अंदाज में हमने शांति के साथ में रखा है हमारा कहना प्रशासन शासन के पास में। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में 500 लोगों की जो कैपेसिटी है वो हॉल को पूरे 100% परमिशन मिले और 500-250 का तो छोड़ दीजिए। आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें चाहे बगैर कोई शर्त के, कोई बगैर अट के हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। ओके, और अगले बारी की बात जो आप पूछ रहे हैं कि भाई आगे आप क्या करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि आगे आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि हम रोड पर उतरेंगे और अपना एहतजाज करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में जाहिर आंदोलन कर रहे हैं और धरने हर जगह पे जिलाधिकारी कार्यालय हो या तहसीलदार ऑफिस के सामने हमने दिया है और आज हमारा पूरे शांतता से हमारे भी आंदोलन चल रहा है। करीब 2.5 लाख हमारे व्यवसायिक इस धंधे में है और 50 लाख हमारे कामगार इस व्यवसाय के ऊपर आधारित है। हमारे को 12 संगठना ने इसमें पाठिंबा दिया है। वह 12 संगठना जैसे घोड़े की संगठना हो, बग्गी की संगठना हो, फोटोग्राफर की संगठना हो, ऐसी कई प्रकार के हमारे जो संबंधित व्यवसायिक हैं हमारे, उन्होंने हमें पाठिंबा दिया है और ये सब पाठिंबा लेकर आज हम धरने आंदोलन कर रहे हैं। हर व्यवसायिक पर कर्जा होता है, बिना कर्जे के हम व्यवसाय कर नहीं पाते। हमारी सरकार से एक गुजारिश है कि हमारी स्थिति सामान्य होने तक, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक हमें ब्याज माफ़ करें और नए लोन के ऊपर सब्सिडी दे, ये हमारी शासन से विनती है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।